प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का टॉपिक बहुत चर्चित टॉपिक है रामायण। हम रामायण के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं हमारे अंदर और बहुत सी अज्ञानता भी है। सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि हमें ये नहीं पता है कि रामायण को पढ़ते वक्त भी न्यास और विनियोग होते हैं, ध्यान किया जाता है, पूजन किया जाता है। अब ये नहीं कि आप किसी भी दिन पढ़ रहे हैं और उस समय पर आपको ध्यान न्यास विनियोग की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं, उस समय आप प्रभु राम परिवार का आह्वान करिए, मतलब उनका ध्यान करिए, अपने मन में ही ध्यान करिए और शुरू कर दीजिए। पर विशेष तौर पे जैसे घर में ही कभी आप लोग सुंदरकांड का अनुष्ठान करते हैं, मंगलवार हुआ, शनिवार हुआ, तो कम से कम उस दिन न्यास ध्यान विनियोग आप कर लें। अगर आप उस दिन अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हाँ मैं ये चीज़ तो कर ही सकता हूँ तो कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किए बिना अधूरा रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास समय का अभाव ना हो, आपके पास पर्याप्त समय हो, तो आप इन चीज़ों का भी पालन कर सकते हैं, तो विधिवत किया जा सकता है रामायण के अनुष्ठान को, स्वयं से अथवा विप्र के सानिध्यता में भी, मतलब पंडित जी के सानिध्यता में भी इसे, इस अनुष्ठान को किया जा सकता है। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से, कौन से न्यास है और कौन सा विनियोग है रामायण में, किन चौपाइयों के द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं और किस तरह से राम परिवार का आवाहन किया जाता है, श्री रामचंद्र का आवाहन किया जाता है रामायण से पूर्व, और किस तरह से षोडश उपचार पूजन आप कर सकते हैं, षोडश उपचार पूजन करिए या पंचोपचार पूजन करिए, किस तरह से करेंगे, उन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर घबराइए नहीं, हर एक लाइन, हर एक मिनट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है कुछ काम की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक अमोघ अस्त्र है जिसका नाम है रामायण। हर एक अस्त्र के द्वारा कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ विध्वंस किया जाता है, लेकिन ये जान लीजिए, ये जो रामायण नामक अस्त्र हमारे पास है, इसके द्वारा बनाया जाता है किसी चीज को। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में मेबी के कुछ ऐसे इकलौते कुछ एक अस्त्रों में से अस्त्र है जिसके द्वारा किसी चीज का निर्माण होता है। अब प्रश्न आपके मन में ये होगा कि मैं इसे अस्त्र क्यों कह रहा हूं। ये अस्त्र इसलिए है कि एक चरित्रहीन व्यक्ति को चरित्रवान बना देता है, एक बिना लक्ष्य के व्यक्ति को उसके जीवन में लक्ष्य प्रदान कर देता है। रामायण एक ऐसा अस्त्र है जिसे चरित्र का निर्माण होता है। अगर हम उसे गूढ़ता छोड़िए, अगर बाल्यपन, मतलब अटखेलियां करते हुए ही हम उसे बिना महत्व के ही केवल पढ़ रहे हैं, तो उसकी कुछ एक बिंदुओं की जो गहराई छाप हमारे हृदय पे पड़ेगी, उससे भी हमारा चरित्र बदल सकता है, उससे भी हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल सकता है। तो ये विश्व में और किसी के पास ऐसा नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष में ही हमें भगवान के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, रैप करके गिफ्ट दिया गया है। सरल भाषा में है, कोई भी कहीं भी इसका उच्चारण कर सकता है, इसका पाठ कर सकता है। मेरी नानी बहुत बुजुर्ग थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत बाद में वो सिग्नेचर करना सीखी, लेकिन उन्हें रामायण याद थी। सुनते सुनते उनको कंठस्थ होना शुरू हुई, फिर वो रामायण पढ़ती पढ़ती भी थी, तो शुरुआत में तो केवल बस कोशिश करती थी, थोड़ा बहुत हम लोग बताए थे तो उसके आधार पे थोड़ा पढ़ने शुरू की, लेकिन बाद में वो हमारी तरह, आपकी तरह रामायण पढ़ती थी। कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अनपढ़ है, अब बेसिकली उन्हें अनपढ़ नहीं कहेंगे, जो इतना बड़ा पुराण कह लीजिए, कवितावली कह लीजिए, या अपनी भाषा में ग्रंथ कह लीजिए, किताब कह लीजिए, जो किताब ही कह लीजिए, कि जो इस अलौकिक किताब का पठन पाठन कर सके, वो अनपढ़ कैसे, वो तो ज्ञानी है। तो ये केवल मेरे नानी जी के साथ में नहीं हुआ था, ये बहुतेरे लोगों के साथ में होता है जिनको, वो कभी स्कूल गए नहीं लेकिन रामायण गीता इन सब का पाठ करते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं के संदर्भ में है
कि अगर हम पाठ करते हैं, अनुष्ठान इसका करते हैं, पंडित जी लोगों का अभाव है, तो हम किस तरह से इसके अनुष्ठान को संपादित कर सकते हैं विधि पूर्वक, किस न्यास को इसमें करना चाहिए, कौन से विनियोग को करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इनका पूजन किस तरह से हो, आवाहन किस तरह से हो, आज उन्हीं सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने के पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री महादेव तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन विधिवत करना चाहिए। इनका आवाहन पूजन करने के बाद श्री रामचंद्र और इनके भाइयों का आवाहन पूजन, षोडशोपचार तरह से पूजन, पंचोपचार पूजन कर लीजिए, यथाशक्ति जैसे भी पूजन कर लीजिए, ये पूजन करने के बाद ही पाठ का आरंभ करना चाहिए। आवाहन मंत्र, षोडशोपचार, पूजा का मंत्र, करन्यास, हृदयन्यास और ध्यान इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत मैं आवाहन से करूंगा। ये सब कुछ करने के साथ साथ अपने हृदय को पवित्र रखें, और अगर ये चीज़ें आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण का सहयोग ले लीजिए, पर ये चीज़ें अवश्य करिए अगर आपके पास समय है और आपका हृदय कह रहा है कि इन नियमों के साथ में आपको चलना चाहिए। तब चलिए शुरू करते हैं आवाहन मंत्र से। आवाहन मंत्र, तुलसिक नमस्तुभ्य मिहागक्ष सुचे व्रत नैरेत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहताम् ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि जी का, श्री वाल्मीक नमस्तुभ्य मिहागक्ष शुभप्रद उत्तर पूर्व यो मूर्धे तेष्ट गृहेष्वमेर्चनम् ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते, गौरीपते नमस्तुभ्य मिहागक्ष महेश्वर पूर्वद दक्षिण योर्मध्ये तेष्ट पूजं गृहाण मे ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य मिहागक्ष सह प्रिय याम्य भागे समातेष्ट पूजनम संग्रहाण मे ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ध्यान दीजिएगा कि भाइयों का जब आवाहन होगा तो उनकी पत्नी सहित, परिवार सहित होगा। श्री शत्रुघ्न, श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य मिहागक्ष सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुस्व मे ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। अब श्री भरत जी, श्री भरत नमस्तुभ्य मिहागक्ष सह प्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजं गृहाण मे ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। अब हनुमान जी, श्री हनुमान नमस्तुभ्य, श्री हनुमान नमस्तुभ्यामिहागक्ष कृपानिधे पूर्व भागे समातेष्ट पूजनम स्वीकुरु प्रभो ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम् पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानम कुर्यात्। पुष्पांजलि देने के बाद आप ध्यान करें। अब ध्यान करते हैं। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गद्विभुजम् प्रसन्नवदनम् श्रीसीतया शोभितम् करुणयामृतसागरम् प्रियगणैरभात्रादिभिरभावितम् वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनीषम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्
आगच्छ जानकी नाथाय जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रा दिभिर्युतः इत्यावाहनम्। सुवर्णरञ्चितं रामदिव्यातरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणमणिचित्रितम्। अब षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए, इसके पहले विनियोग और न्यास किस तरह से हैं वो जान लीजिए। बात करते हैं विनियोग की। ओम अस्य श्री मनमानस रामायण श्री सीता रामचरितस्य श्री शिव काग भुसुंडीड यज्ञ वल्लव्यज्ञो स्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीता रामो देवता श्री राम नाम बीजं भव रोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीता राम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। विनियोग कैसे किया जाता है ये आपको पता है। अब आचमनी की बारी। ओम केशवाय नमः माधवाय कहते हैं, इसमें तीन मंत्र हैं, उस तरह से आप करिए। पहला, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राम चंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः। इन तीन मंत्रों से आप आचमनी करेंगे। आचमनी हाथ में जल लेकर इस तरह से। अब प्राणायाम करिए, युगल बीज मंत्र से राम नाम से प्राणायाम कर लीजिए। बारी आती है करन्यास की। करन्यास कैसे करेंगे समझिए। जग मंगल गुण ग्राम राम के दान सुमुकुति दान सुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम 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 कहीं जे जमुहाई तिन्न तिन्न ही पाप पुंज समुहाई तर्जनी भ्याम नमः। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः। इस तरह से, या आप इस तरह से भी करके रख सकते हैं, वैसे इस तरह से करें तो ज्यादा अच्छा है। उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही कनिष्ठिकाभ्याम नमः। मम भिरक्षय रघुकुल नायक घृत बर चाप रुधिर कर सायक कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यास, यह करन्यास था। अब बारी है हृदयादि न्यास की। तो समझ लीजिए हृदयादि न्यास कैसे होगा। हृदयादि न्यास भी लगभग सेम चौपाइयों के साथ में होगा, जगह बदल जाएंगे। जग मंगल गुण ग्राम राम के दान सुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। पांचों उंगलियां और हृदय पे रखिए, पांचों उंगलियों के साथ होगा ये। राम राम कहीं जे जमुहाई तिन्न ही न पाप पुंज समुहाई सिर से स्वाहा
राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग बन गण बधिका। सिखाए वसट पांचों उंगलियां ले आके सिखा पे रखिए। उमा दारु जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। कवचाय हुम ऐसे सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तब ही। नेत्रताय वौसठ ये दोनों उंगलियां नेत्रों पे ये उंगलियां आज्ञा चक्र पे इस तरह से। मम भिरक्षय रघुकुल नायक घृत बर चाप रुधिर कर सायक। अस्त्राय फट दो बार चुटकी सामने बजाइए इस तरह से घुमाइए सिर को दो उंगलियों से ताली बजाइए। इति हृदय आदि न्यास मतलब हृदय आदि न्यास भी संपूर्ण हुआ। अब बारी है ध्यान की फिर से एक ध्यान होगा ध्यान सुनिए। माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरे हृदय कंजमर मकरंद मधुप हरि जातु धान बरोथ बल भंजन मुनिस जन रंजन अग गंजन भूसुर शशि नव बृंद बलाहक शरण शरण दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार महि खंडित खर दूषण बिराध बध पंडित रावणारे सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम करुणा नीक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममतान तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इति ध्यानम मतलब ध्यान हो गया ये ध्यान है आपका। ये याद रखिए जब भी आप ध्यान कर रहे हो तो हाथ में पुष्प हो आपके फूल ले लीजिए किसी भी कलर के फूल हो सकते हैं राम जी हैं सब उन्हीं का है सब उनको अर्पित करिए। तो हाथ में फूल लीजिए ध्यान करिए उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बारी आती है पूजन की। सबका तो आपने आवाहन कर लिया सब कुछ तो कर लिया कैसे पूजन करेंगे कोई मंत्र नहीं आता भैया कुछ नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर आता है तो पुरुष सूक्त से शुरू कर दीजिए थोड़ा बहुत आता पुरुष सूक्त पुरुष ए वेद गुं सर्वम यद भूतम यच भाव्य मतामृत शेषानो यद निनाति रोहति एतावान च महिमा तो जायाश मुर्गा पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी त्रिपादो। मतलब अगर पुरुष सूक्त आता है तो पुरुष सूक्त से षोडश उपचार पूजन कर डालिए। कुछ नहीं आता है तो हल्दी चंदन अक्षत पुष्प आचमनी इन पांच चीजों से पूजन कर लीजिए। मंत्र नहीं आते हैं तो पहले हल्दी चढ़ा दीजिए पुष्प चढ़ा सबसे पहले देखिए नियम फॉलो करिए अपनी अपना संस्कार फॉलो करिए। कोई आता तो क्या करते हैं उसके पांव धुलते थे पहले जल आचमनी चार बार आचमनी घुमा दीजिए तीन बार चार बार आचमनी सामने खाली कटोरी रख लीजिए आचमनी घुमा के उसमें जल डाल दीजिए। मन में बोलिए मुख से बोलिए प्रभु पैर धुल रहा हूँ आपके पखार रहा सबके पैर पखार दीजिए चंदन टीका लगा दीजिए पुष्प अर्पित कर दीजिए अक्षत से श्रृंगार कर दीजिए अक्षत छिड़क दीजिए श्रृंगार हो गया भोग लगा दीजिए भोग लगाने के बाद दीपक प्रज्वलित कर दीजिए दीपक दिखा दीजिए हो गया पूजन। यही तो है आपका पूजन। हृदय में वास कराएं प्रभु को। हृदय में जब प्रभु का वास हो जाएगा तो आप अगर हल्दी वैसे छिड़क देंगे ना तो हल्दी वह फोटो पे नहीं गिरेगी भगवान के ऊपर जाके गिरेगी। तो हृदय में वास करवाइए तन तो शुद्ध आपने कर लिया मंत्रों के द्वारा हृदय को भी शुद्ध कर लीजिए उस पर किसी का बस नहीं है आपका ही बस है शुद्ध कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने जानकारी आपको दी ये आपके बड़ी काम की नहीं तो कुछ काम की तो होगी ही। अगर कुछ भी काम की हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए प्रणाम।